बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जाफ़र दरे चैनल में खुश आमदीद। वीडियो के जाने बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि और भी इसी तरह की वीडियोस आपको आसानी मिल सके। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में एडमिशन ओपन है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको तमाम प्रोग्राम और फीस स्ट्रक्चर और एग्रीगेट के मुतालिक तमाम तर मालूम से आगाह करूंगा। सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखना ताकि मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का मुकम्मल क्राइटेरिया समझा सकूं। सबसे पहली बात दोस्तों कि इस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन के लिए कोई टेस्ट नहीं देना। दोस्तों मैं बताया चलता हूँ कि इसके टोटल 9 कैंपस है जिनमें टाउनशिप कैंपस मेन कैंपस है, बैंक रोड कैंपस जो लड़कियों के लिए मखसूस है और बाकी तमाम कैंपस जिनमें फैसलाबाद, मुल्तान, रिहाड़ी, अटक, डेरा गाजी खान, जोहराबाद और लाहौर के कैंपस बॉयज और गर्ल्स के लिए मखसूस है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन है सारे कैंपस, इसमें जो प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं वो आगे लिखे हुए हैं। ये जो टाउनशिप कैंपस लाहौर है इसके लिए बी एस ब्रिटानिया, बी एस केमिस्ट्री, आप देख सकते हैं सारे ये प्रोग्राम इस साल करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है अटक कैंपस में जो है बी एड सेकेंडरी, बी एस इंग्लिश, इसी तरह बी एस केमिस्ट्री फर्दर आप देख सकेंगे। और बैंक रोड कैंपस है जो लाहौर का, उसमें ये करवाए जा रहे हैं प्रोग्राम बी एड बीबीए बीएफए बीएस इंग्लिश। इसी तरह डीजी खान कैंपस में दोस्तों ये प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं जो लिखे हुए हैं आगे मेंशन है, बी एड बीएस इकोनॉमिक बीएस इंग्लिश बीएस ब्रिटानिया, इस तरह फर्दर आगे दिए हुए हैं। लास्ट में एमफिल एजुकेशन इंग्लिश। इसी तरह फैसलाबाद कैंपस है दोस्तों, उसमें बी एड ऑनर स्पेशल एजुकेशन इवनिंग, बीबीए बीएस इकोनॉमिक्स, लास्ट में एमफिल एजुकेशन इवनिंग। इसी तरह जोहराबाद कैंपस है दोस्तों, इसमें बीएड बीबीए और बीएस मैथमेटिक्स करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है लोअर माल कैंपस है जो, उसमें बी एड एजुकेशन बीबीए है, बी एस इंग्लिश है, इसी तरह बी एस जियोलॉजी है, लास्ट पे एमफिल उर्दू। इसी तरह मुल्तान कैंपस में बी एड फर्स्ट पे है, लास्ट पे है एमएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टाउनशिप कैंपस लाहौर में है बीबीए बीएस इकोनॉमिक्स बीएस इंग्लिश। इसी तरह बिहारी कैंपस है जो, उसमें बी एड बीबीए बीएस इंग्लिश और इस तरह लास्ट में एमए इंग्लिश है। दोस्तों आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है आपने, और इसमें जो और एमएस और एमफिल के लिए जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के वो है सितंबर 30, 2019। इसी तरह सिर्फ दोस्तों एमफिल और पीएचडी के लिए जिन्होंने इंट्री टेस्ट देना है उनके लिए लास्ट डेट है 5 अक्टूबर, और इसी तरह बीएस और एमए एमएससी के लिए लास्ट डेट अप्लाई करने के वो है 7 अक्टूबर। इसी तरह लास्ट में दोस्तों एमएस और पीएचडी के लिए जो इंटरव्यू होंगे वो उसकी टाइमिंग 10 बजे है, 12 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ जब मेरिट लिस्ट इनकी शो होंगी वो इनकी डेट आगे मेंशन है, सेकंड मेरिट लिस्ट है 22 अक्टूबर को होगी, थर्ड मेरिट लिस्ट 28 अक्टूबर को होगी। इसी तरह दोस्तों आपने, मैं बताया करता हूँ कि आपने इसमें अपना एग्रीगेट किस तरह निकालना है, फाइंड करना है। अगर आपने इंटरमीडिएट किया तो आपने पहले अपने मैट्रिक के मार्क्स मल्टीप्लाई करने हैं 0.3 से, प्लस आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं मल्टीप्लाई बाय 0.7, इस तरह आपका एग्रीगेट निकल आएगा। और अगर आपकी 14 साल एजुकेशन है उसके लिए आपने सेकेंडरी मार्क्स यानी कि मैट्रिक के मल्टीप्लाई करने हैं 0.25, प्लस आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स मल्टीप्लाई 0.25, प्लस बीबीए या बीए या बीएससी जो भी है आपका मल्टीप्लाई 0.5। इस तरह आपने दोस्तों अपना एग्रीगेट फाइंड कर लेना है। इसमें मैं दोस्तों बताता हूँ कि लास्ट टाइम जो 2018 में हर कैंपस के जो मेरिट थे मेरिट लिस्ट थी उनमें जो क्लोजिंग मेरिट हुआ था वो मैं आपको बताऊंगा। बीएस ब्रिटानिया इसी तरह फर्स्ट पे इसके लिए मॉर्निंग था वो है 83.25 और इवनिंग में था 78.67, लास्ट पे है एमएस बायोलॉजी इसके लिए इवनिंग में था 65.0। नेक्स्ट है दोस्तों टाउनशिप लाहौर जो कैंपस है उसमें बी एड का था 63.01 और लास्ट पे है पीएचडी इन एजुकेशन 44.50 और इवनिंग में था 52.0। इसी तरह टाउनशिप कैंपस लाहौर है दोस्तों, इसमें बीबीए का और बी एस इकॉनॉमिक्स बी एस इंग्लिश का इंग्लिश का आप देख सकते हैं मेरिट दिया हुआ है 2018 का है ये। इसी तरह माल कैंपस है लोअर माल कैंपस है, इसमें आप देख सकते हैं बीबीए का 74.01 मॉर्निंग का और इवनिंग का 70.64 है। इसी तरह दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आप देख सकते हैं डिवीजन ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस लोअर माल लाहौर, इसमें जो है बी एफ ए ऑनर और इसका जो मेरिट था दोस्तों लास्ट टाइम वो था 59.29 और लास्ट में जो उर्दू है एमए उर्दू उसके लिए था 47.52। इसी तरह बैंक रोड कैंपस है दोस्तों, इसमें भी आप देख सकते हैं सारे मॉर्निंग और इवनिंग के मेरिट दिए हुए हैं। इसी तरह फैसलाबाद कैंपस के बीबीए बीएड बीएड बीएस ब्रिटानिया बीएस केमिस्ट्री बीएस इकोनॉमिक्स, इसी तरह दोस्तों इनमें लास्ट टाइम के मेरिट दिए हुए हैं आप देख सकेंगे मुकम्मल। मुल्तान कैंपस के भी इसी तरह दिए हुए हैं, बिहारी कैंपस दोस्तों इसके लिए बीएस केमिस्ट्री बीएस इंग्लिश सबका दिया हुआ है आप देख सकेंगे, जीजी खान का भी है। उसके बाद है दोस्तों अटक कैंपस, इसके लिए बीएस केमिस्ट्री बीएस इंग्लिश बीएस मैथमेटिक्स एमए एजुकेशन और एमए इंग्लिश का दिया हुआ है आप देख मुकम्मल आप देख सकेंगे दोस्तों। इसी तरह जोराबाद कैंपस है बीबीए बीएड इसका भी दिया हुआ है, उन्होंने मॉर्निंग और इवनिंग दोनों का मेरिट दिया हुआ है।
दोस्तों मैं इसका आपको अभी फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा कि क्या है। आप देख सकते हैं दोस्तों जो बीएड सेकेंडरी है इसके लिए जो मार्निंग की सेमेस्टर फी है वो है 14,200 और सेकंड सेमेस्टर की है 8,200, इसी तरह थर्ड सेमेस्टर की 11,200। इस तरह एमबीए के लिए भी आगे लिखी हुई है दोस्तों, मार्निंग और इवनिंग दोनों की लिखी हुई है। आप देख सकते हैं लास्ट पे जो है वो है पीएचडी इन एजुकेशन में मार्निंग की 30,875 है, फिर सेकंड सेमेस्टर की, इसी तरह थर्ड की, फोर्थ की, लास्ट तक आपको दिखाई दे रही है। ये इसका दोस्तों फीस स्ट्रक्चर है जो आप मुकम्मल तौर पर आराम स्कूल से देख सकेंगे और आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसका क्या क्राइटेरिया है। तो इसमें दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको इसका अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा कि आपने इसमें किस तरह अप्लाई करना है। तो दोस्तों इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।